नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन सियासत की हांडी जो है वो कई मुद्दों पर बार बार जरूर गर्मा जाती है। तो 2002 के गुजरात दंगे 20 साल बाद भी ये मुद्दा गर्म है। फर्क सिर्फ इतना है, कल तक गुजरात दंगों का नाम लेकर कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया करते थे। आज 2002 के गुजरात दंगों के बहाने बीजेपी के नेता कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे हैं और इसके पीछे वजह है एसआईटी का हलफनामा। गुजरात एसआईटी का दावा है कि गुजरात दंगों में मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के कहने पर 30 लाख रुपए दिए गए। अहमद पटेल कौन थे? अहमद पटेल सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। अब जिन 30 लाख रुपयों को देने की बात कही जा रही है, पहली किस्त 5 लाख रुपए थी, दूसरी किस्त 25 लाख रुपए थी। इस साजिश में तीस्ता सीतलवाड़ के साथ पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार भी शामिल थे। अब बीजेपी ये कह रही है कि तीस्ता सीतलवाड़ तो बस मोहरा भर थी, लेकिन ये साजिश असल में सोनिया गांधी के इशारे पर रची गई थी। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल क्वेश्चन है कि एसआईटी के हलफनामे के बाद क्या आप जांच की आग जो है वो पहुंचेगी सोनिया गांधी तक? तो क्या जांच की आंच सोनिया गांधी तक पहुंचेगी? हमारा पोल क्वेश्चन आज आपके लिए, किसके बाद? एसआईटी के हलफनामे के बाद आपको क्या लगता है, हाँ या ना? जो भी आपका जवाब znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उससे पहले रिपोर्ट। कांग्रेस ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रच के किया था, समय के साथ धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई सामने आ रही। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। हर बार जब गुजरात चुनाव आता है, इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की, और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी। सोनिया जी तक पहुंचने की कोशिश मत करना। कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है, कांग्रेस इन घटिया राजनीति में विश्वास नहीं करती जो आप करते हो। गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र कहां नहीं करते आप? महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह गुजरात के बहाने दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। वार और पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अहमद पटेल पर एसआईटी के सभी आरोप गलत हैं। गुजरात एसआईटी पर पॉलिटिकल प्रेशर की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और साथ ही प्रधानमंत्री विरोधियों से बदला ले रहे हैं, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। इसीलिए तालठोक के बड़ा सवाल यही है, क्या जो बीजेपी का आरोप है कि मोदी बदनामी की स्क्रिप्ट, क्या सोनिया गांधी उसकी राइटर हैं? क्या जिन 30 लाख रुपयों की बात की जा रही है वो मोदी की बदनामी का बजट था? क्या ब्रांड मोदी को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी? और एसआईटी के सच को क्या मोदी को सियासी कवच माना जाए जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी और तीस्ता सीतलवाड़ के बीच रिश्ता है क्या? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह हैं, हमारे साथ आपको स्क्रीन पर पवन शर्मा दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का बचाव करने के लिए, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर अजीज खान आपको दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राशिद अलवी भी हैं। और राशिद अलवी, आप ही से मेरा पहला सवाल है, जो बड़े आरोप, संगीन आरोप बीजेपी द्वारा अहमद पटेल और बल्कि कहना चाहिए सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे हैं, उन पर आपका जवाब।
देखिए, बीजेपी का कहना है कि 30 लाख रुपए उस महिला को दिए गए सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए। आप पढ़ी लिखी एंकर हैं, 30 लाख में कोई सरकार गिरा सकता है? ये मुमकिन है? 30 लाख रुपए में किसी सरकार को बदनाम किया जा सकता है? ये मुमकिन है? अगर ये मुमकिन है तो बीजेपी के नेताओं को मैं 1 करोड़ रुपए दिलाता हूँ, वो मेघालय की सरकार गिरा के दिखा दें। ये रबिश। आज अहमद पटेल जिंदा नहीं है। किसी मरे हुए आदमी को इस तरह उसकी पगड़ी उछालना, चूंकि गुजरात का चुनाव आ रहा है और जब गुजरात का चुनाव आता है तो वो किसी मुसलमान को आगे करके वहाँ पे नफरत फैलाते हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में पोस्टर लगे थे गुजरात में, अगर कांग्रेस जीती तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ये नया शोषा है, 30 लाख रुपए में कैसे कर सकते हो, कैसे डीस्टेबलाइज किया जा सकता है? अगर 30 लाख रुपए दिए भी गए तो वो दंगा पीड़ितों के लिए दिए गए। और मैं ये भी अगर मान लूं आप बीजेपी की बात कि उससे गलत इस्तेमाल हुआ उस पैसे का, तो उस पैसे का इस्तेमाल तो उन लोगों ने किया जिन पे पैसा था, ना अहमद पटेल ने ना सोनिया गांधी ने। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने पे लगी रहती है, इसलिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। और उनसे ये भी पूछता हूं, अपने गिरबान में झांक के देखेंगे। चलिए, मैंने मान लिया एक लम्हे के लिए कि गुजरात की सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। आपका तो हर रोज का काम है। अभी महाराष्ट्र में आपने डिस्टेबलाइज नहीं किया, आपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं किया, आपने क्या पहले गोवा में नहीं किया, आपने क्या मेघालय में? आप तो रोज का ये काम कर रहे हैं भाई, आपका तो काम ही ये है और इल्जाम हम पे लगाते हैं। ठीक है, आप कई सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, इन पर आरपी सिंह जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुमताज पटेल हैं, अहमद पटेल जी की बेटी हैं। मुमताज पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए, वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार। नमस्कार। ये इस वक्त क्या बोल सकती हूँ, यही कि आप टाइमिंग देखिए, वक्त देखिए और आरोप देखिए किस तरीके के लगे हुए हैं। जो इंसान है ही नहीं आज डिपेंड करने के लिए, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे क्या सही क्या गलत? और ये तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई ना कोई नया मुद्दा तो निकलना ही था। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि ये जो आरोप है ये दरअसल इलेक्शन से जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर इसमें कुछ सच्चाई होती तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी और जो नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी खबर आपको अभी 1 महीना पहले या 10 दिन पहले मिली होगी और अब सडनली SIT की रिपोर्ट में नाम आया, तभी ये इन्वेस्टिगेशन तो काफी वक्त से चल रही होगी। तो जब वो जिंदा थे 2020 तक भी आपके पास वक्त था, आप ये बात तब क्यों नहीं उछली, कार्रवाई उनके ऊपर तब क्यों नहीं करी गई? आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर मुमताज उठा रही है, मैं बीजेपी से आपको इसका जवाब दिलाना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप हमारे साथ रहिए। आरपी सिंह जी, जो मुमताज पटेल कह रही है इसकी टाइमिंग देखिए, जो वो सवाल उठा रही है उस पर जवाब सर आपका। देखिए, मुमताज पटेल अहमद पटेल साहब की बेटियां हैं, ऑब्वियसली अपने पिता को डिफेंड करने का अधिकार उनको पूरा है और करना भी चाहिए, परंतु उनको राजनीति के पीछे, राजनीति के किस प्रकार पर्दे के पीछे क्या चलता है और कैसे क्या होता है उनको शायद जानकारी नहीं होंगी, शायद उनके पिताजी उनसे शेयर नहीं करते रहे होंगे कि किस प्रकार से। सर, वो टाइमिंग को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर आपका जवाब सर। टाइमिंग पे एक मिनट दे रहा हूँ, एक मिनट। सोनिया गांधी जी उनसे क्या क्या कराती रही होंगी, कैसे कैसे कराती रही होंगी उनको जानकारी में नहीं होगा, शायद उनकी तब उम्र भी छोटी रही होगी। परंतु टाइमिंग की बात है तो सुप्रीम कोर्ट कब क्या ऑर्डर देगा ये भाजपा के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट SIT की रिपोर्ट के ऊपर क्या ऑर्डर देगा ये भाजपा के हाथ में तो नहीं ना। असल में क्या है कि कांग्रेस के लोगों को हमेशा सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। सुप्रीम कोर्ट जब भी राम मंदिर का विषय आएगा तो भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, वो कोई और फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो भी अफजल की फांसी होगा तो उस पर भी खड़े हो जाएंगे उनके साथ जो अफजल की फांसी को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जांच चल रही है, उस पर भी टाइमिंग का ये हमारे हाथ में नहीं है। टाइमिंग तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, एक बात। दूसरी बात,
तीसरा के कोई एक सहयोगी थे जो उनके साथ काम करते थे, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ वो अभी आपके चैनल पे उनको डिबेट पे होते तो बात करते, उन्होंने खुद कहा है कि हाँ टीरसा ने पैसे लिए, मैं वहां था, मैं वो आपको क्लिपिंग भेजूंगा कि अहमद पटेल साहब ने किसी एक बिल्डर लॉबी के कोई सज्जन ने उनको बढ़ाया, उसके 5 लाख रुपए नकद लाए, बाकी हमको पैसे बाद में आए, ये उनका टीवी पे बयान है। जवाब लीजिए मुमताज पटेल। मैं यही बोल सकती हूँ कि 30-35 साल से गुजरात सरकार आप जानते हैं बीजेपी की है, 8 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर भी दिया होगा, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, ऐसा तो नहीं कि इंटेलिजेंस को पता नहीं होगी या आपके पास सारे एजेंसीज हैं सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं तो ये बात पहले निकलती, तभी इन्वेस्टिगेशन हो चुका होता। इस वक्त ही इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसी वक्त नाम निकला, तो कुछ तो गड़बड़ है। और मैं ये भी समझती हूँ कि शायद उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि टारगेट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रेसिडेंट है। आज एसआईटी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया अदर पॉलिटिशियंस आल्सो, उनके नाम तो मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ अहमद पटेल लिखा गया क्योंकि वो ही एक बड़ा नाम है जिससे आप ब्रेकिंग न्यूज चला सकते हैं। जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं सिर्फ अहमद पटेल का नाम को क्यों टारगेट किया गया? नहीं, क्योंकि अहमद पटेल सोनिया गांधी जी के सलाहकार थे, और मैं तो कह रहा हूँ तो मैंने कहा एक मिनट रोक नहीं। और दूसरी बात है कि तीरसा के जो पार्टनर थे इन क्राइम, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, अपना स्टेटमेंट दर्ज कर चुके हैं कि हाँ मैं हमें बुलाया गया, एक गेस्ट हाउस में बुलाया गया, वहां पर हमको 5 लाख की रकम किसी एक बिल्डर लॉबी के जो देखते होंगे कोई भट्ट साहब से उनको बुलाकर कहा हाँ 5 लाख रुपए दिए, 25 लाख रुपए फॉलोअप के लिए आया हमारे पास, उसका लगातार हमको दिल्ली में सोनिया गांधी ने बुलाया, ये भी विषय आया, और अहमद पटेल जी उसमें कंट्रीब्यूट, ये भी उसका विषय आया, ये सब इनके जो पार्टनर इन क्राइम है उनके रिकॉर्ड है, हमारे हमारे नहीं है, उनके बयान है। मुमताज जी जी, बस मैंने जो कहना था मैंने आज ट्वीट भी कर दिया और मैंने स्टेटमेंट दे दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी बिकॉज मैं इस वक्त ना ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ एज ए डॉटर बात करने के लिए आई थी। अच्छा मुमताज, आप एक बात बताएं कि एसआईटी रिपोर्ट में तीस्ता, संजीव भट्ट की अहमद पटेल से आपके पिता से मुलाकातों का जिक्र है, और इन तीनों का पब्लिक मोर देन 40 साल से वो पब्लिक फिगर रहे हैं, सबसे मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे छोटे से छोटा पार्टी वर्कर हो, दूसरे पार्टी के लीडर्स हो, वर्कर्स हो, वो सबसे मिलते थे, तो मैं इससे कमेंट नहीं कर सकती कि मिले नहीं मिले, मैं नहीं जानती हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि उनका डे टू डे फंक्शनिंग मुझे मालूम नहीं है, तो मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं कोई गलत स्टेटमेंट नहीं गलती से दे देना चाहती। एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट मुमताज, लेकिन इस वक्त जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें आपके पिता का नाम बार बार उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप मेरा सवाल सुन लें, फिर मैं आपको वापस मंच दे रही हूँ और आपको जो बात रखनी हो आप खुलकर रखें। आपके पिता का नाम आ रहा है दो बातों के लिए, कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट थी, गुजरात गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट थी, उसे डिस्टेबिलाइज करने के लिए और तब के सीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए 30 लाख रुपए में, ठीक है जरूर तो और कुछ कहना नहीं चाहूंगी मैं, आई एम सॉरी बट मैं बोल चुकी हूँ जो बोल रहा है, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, ही वो है नहीं यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो सही और गलत देखते हैं कैसे डिसाइड होता है। तो आपको लगता है ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है, ये कम्प्लीटली गुजरात में जो इलेक्शन है इस साल के एंड में उससे कनेक्टेड है? इलेक्शन से तो डेफिनेटली कनेक्टेड है, सही है गलत है इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, जांच जारी है, जो कोर्ट डिसाइड करेगी। नहीं, कोर्ट तो जाहिर तौर पर जो डिसाइड करेगी मुमताज एविडेंस के हिसाब से डिसाइड करेगी, लेकिन मिसेस गांधी, सोनिया गांधी का नाम भी इसमें आपके फादर के साथ ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो आपके मिसेस गांधी के इशारे पर काम कर रहे थे, सोनिया गांधी के इशारे पर सब कुछ कर रहे थे, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी का पर्पस ही तो ये है ना, अब इससे ज्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुमताज पटेल, जी न्यूज के साथ बात करने के लिए। आरपी सिंह, एक नहीं उन्होंने कई बातें कही और उससे पहले राशिद अलवी ने भी कई बातें कही है, जो उन्होंने मेन पॉइंट उठाया उन्होंने उठाया, आपको ये सब कुछ इसलिए याद आया क्योंकि इस साल के एंड में गुजरात में इलेक्शन है और राशिद अलवी ने तो यह भी कहा अहमद पटेल एक मुस्लिम चेहरा है, आप वहां पर पोलराइज करना चाहते हैं। देखिए, मैं अफसोस है कि इनकी सोच कितनी छोटी और कितनी तंग सोच है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर भी प्रश्न उठाए तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं है।
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत कोई इंक्वायरी होगी, जांच होगी। आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई थी, कोई बीजेपी ने एसआईटी नहीं बिठाई थी। आज ये कह रहे कि एसआईटी भी हमने बिठाई थी, एसआईटी हमने चलाई, एसआईटी पे हमने इन्फ्लुएंस किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिठाई गई एसआईटी थी। और हमने हमारे तब के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री जी ने उस एसआईटी को मान्य करके कहा एसआईटी पे इंक्वायरी कर लेने, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है तो उसमें दिक्कत हो रही है। और मैं क्योंकि एक कारण से नाम नहीं ले रहा, ये तो इनका जो पार्टनर इन क्राइम है वो तो बड़े रिकॉर्ड पे कह चुके हैं। हमें अर्जुन पटेल ने दिल्ली में बुलाया, सोनिया गांधी ने घर पे बुलाया कि हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। और इन्हीं की सरकार ने तीस्ता को बाद में नवाजा भी। आरपी सिंह के साथ संपर्क टूट गया, लेकिन राशि दलवी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे इंकार नहीं कर सकती। ये तो एसआईटी का एफिडेविट है ना, बीजेपी आरोप लगा रही है वो अलग बात है, लेकिन एसआईटी के एफिडेविट के हवाले से ये आरोप लगा रही है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए एसआईटी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज तो एसआईटी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है? सब हाथ का खिलौना बने हुए हैं। अच्छा चलिए मैं माने लेता हूँ, आज 20 साल के बाद क्यों उठा रहे हैं आप ये मुद्दा, जबकि इलेक्शन आने वाला है? आप अहमद पटेल जिंदा थे, उनको गिरफ्तार कर लेते, और शायद आपको ये मालूम नहीं कि अहमद पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत करीबी रिश्ते रहे। शायद अहमद पटेल के इतने अच्छे रिश्ते कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं से ना हो जितने अच्छे प्रधानमंत्री से रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, और अभी तक भी जब तक वो जिंदा रहे। मोदी जी उन्हें कभी अहमद पटेल नहीं कहते थे, बाबू भाई कहते थे। ये बयान खुद मोदी जी ने दिया है, उनके घनिष्ठ रिश्ते थे। ठीक है, ये बीजेपी को मुझे नहीं मालूम निजी संबंधों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एसआईटी की एफिडेविट और फिर सवाल ये भी उठता है कि आपको किस एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन आरपी सिंह जी इस पर आपका जवाब? नहीं, निजी रिश्ते अपनी जगह है, परंतु कानून अपनी जगह कार्रवाई करता है। मेरे निजी रिश्ते किसी के साथ हो सकते हैं, परंतु मैं कानूनी कार्रवाई में बाधक थोड़ा हो सकता। और दूसरी बात, अहमद पटेल सब जानते हैं किसके बिहाफ पे काम करते थे, किसके बहस पे काम करते थे। वो तो सबका सब काम सोनिया गांधी जी के लिए करते थे, सबको जानकारी, उनके एडवाइजर थे, उनके लिए सब कुछ, हाथ पैर सब कुछ उनके वही चलाते, सब कुछ वही काम करते थे, सबको जानकारी में। अगर अहमद पटेल जी ने 30 लाख रुपए दिए तो किसके कहने पर दिए? और 30 लाख रुपए सर पहली किस्त है। अभी मैं मुमताज बिटिया कहकर चलेगी 30 लाख से सरकारें गिरती जाए, अभी यहाँ पे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे 30 लाख से। भैया 30 लाख तो अकेली किस्त थी, करोड़ों रुपए दिए आपने उनके ट्रस्ट में, कई करोड़ रुपए आपने दिलाए उनके ट्रस्ट में। वो ट्रस्ट से पैसा घूमकर उनके अलग अलग खातों में गया, बैंक खातों में गया। सबरंग नाम से ट्रस्ट चलाते थे, उसमें कई करोड़ रुपए गया। सर में सच में सामना करें और बताएं, खुद बढ़कर सोनिया गांधी बताएं कि उनके ने क्या क्या किया। ये अंतगत्वा तो आज उन तक आएगी, ये जितना मर्जी कोशिश करे अंतगत्वा तो हमारे उन तक आएगी। मैं ये भी समझना चाहती हूँ, जहां पर अहमद पटेल के नाम का जिक्र है, सोनिया गांधी के नाम तक सिर्फ ये कनेक्शन है कि वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे सोनिया गांधी के? नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं थे जी, वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे, पार्टी का सब तामझाम सब उनके हाथ से चलता था। वो सब जो सोनिया गांधी के जो आदेश को लागू कराने का काम अहमद पटेल के में रहता था, अहमद पटेल जी के पास रहता था। कौन सी सरकार में किसको क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका कौन सा पद होगा, कौन सा मंत्री होगा, सब कुछ उनके माध्यम से तय होता था। वो तो अहमद पटेल तो मोहरा थे, मैंने कहा ना कि इसकी जब पूरी जांच होगी तो अहमद पटेल मोहरा थे और ये सब कुछ सोनिया गांधी करवा रही थी, तो इसके लिए कोई आधार होगा ना सर? सिर्फ किसी के संबंध आधार नहीं हो सकते, कोर्ट साक्ष्य मानता है सर, कोर्ट तो साक्ष्यों से चलता है, तो वो कौन सा आधार है? मैं बताता हूं, तीस्ता के जो कुलीग जिसने सारा ये सारा जब मामला चला, बाद में अलग अलग हुए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जहां वो कह रहे हैं कि हाँ हमको सोनिया गांधी जी के घर पे बुलाया गया, हमको सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया, सोनिया गांधी जी ने कहा कि अहमद पटेल आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमको इतनी रकम मिली। वो ऑन रिकॉर्ड है सब डॉक्यूमेंट, वो अभी सब चीजें खुलेंगी, ये कुछ चीजें छुपने वाली नहीं है। एक टीवी इंटरव्यू में आकर सब बोल गए हुए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी काउंटर लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी कह रही है तत्कालीन सीएम गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची गई गुजरात दंगों को लेकर। जी अदिति जी,
देखिए ये सब जानते हैं कि चुनाव गुजरात में बिल्कुल नजदीक आ गया है, बीजेपी वहां पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी, हालात वहां के बिल्कुल बहुत अलग हो चुके। अब देखिए इस तरीके की बात आप देखिए 20 साल बाद करने का कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब अहमद पटेल जी जिंदा थे उस वक्त आखिर ये मुद्दे क्यों नहीं पैदा हुए, और अगर वाकई में उन्होंने साजिश किया जैसा कि मैं सुन रहा हूं तो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। भाई लगातार सरकार वहां किसकी रही है? माननीय मोदी जी की सरकार रही है, और वक्ती तौर पे उस वक्त वो सीएम थे। अभी लगातार मैं उनकी साहबजादी को सुन रहा था, बिल्कुल सही बात कह रही है कि आप ये बताएं कि 20 साल के बाद आप इस मुद्दे को उभार रहे हैं, जब हमारे वालिद साहब जिंदा थे तो आपने बात को क्यों नहीं रखा? बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरा जो बड़ा अहम सवाल, अभी राशिद अलवी साहब ने भी कहा 30 लाख में सरकार को गिराने की साजिश, किससे साजिश किया जा रहा है? सवाल इस बात का है, किससे तीस्ता जी और बाकी अहमद पटेल जी मिल करके किससे साजिश कर रहे थे मोदी जी को, मोदी जी की सरकार गिराने के लिए? तो ये कहीं ना कहीं साल तो अपने पहले, पहली रकम थी, रकम तो कई करोड़ों में गई, कई करोड़ों में गई उनके सबरन ट्रस्ट में, अल्लाह ने करिए रुकिए, वो कई करोड़ अहमद पटेल जी दिवंगत है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, ना कि उनके नाम पर प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, अभी SIT की बात चल रही है, SIT में है कौन लोग? SIT में गुजरात की पुलिस है, और गुजरात की जो पुलिस है वो किसकी बात सुनेगी और किसके तरफ से बात करेगी? लगातार SIT जो गठित की गई, वो SIT का जो स्टेटमेंट है आज वो इसका पर्दाफाश कर रही है। जब चुनाव सर पे आ गया है तो पर्दाफाश हो रहा है। इसके पहले SIT ने ऐसे खुलासे क्यों नहीं किए जिसकी वजह से आखिर FIR होना चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए अहमद पटेल जी के खिलाफ में? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बीजेपी की रणनीति है, और बीजेपी जब हर काम से हार जाती है तो ऐसे मुद्दों को वो हवा देती है, वो जानती है। सोनिया गांधी, अरे भाई आप सुनिए मेरी बात, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे। आप सुप्रीम कोर्ट को लिए बैठे, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब कमेंट करती है नुपुर शर्मा पे और तमाम मुद्दों पे, तो आप सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसके खिलाफ आप याचिका दायर करते हैं, जज के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। क्या कमाल करते हैं आरपी सिंह साहब आप? आप सुप्रीम जो दिवंगत आत्मा है उस पर भी राजनीति करने से आप नहीं चूक रहे हैं। आज आप SIT की बात कर रहे हैं, SIT किसके धुन पे नाच रही है, किसके धुन पे नाचेगी आप मुझे बताइए जरा। आरपी सिंह ये कह रहे हैं SIT किसके धुन पे नाच रही है, किसी से छिपाए क्या? जवाब जल्दी से। और यही सवाल थोड़ी देर पहले राशिद अलवी ने भी पूछा था। मेरे को आवाज नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? थोड़ा कुछ गड़बड़ ठीक है। अवनीश अवस्थी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजीज खान ने पूछा कि 20 साल लग गए ये समझने में, इस निष्कर्ष तक पहुंचने में, 20 साल जब गुजरात में एक बार फिर से इलेक्शन है। अदिति जी, पहली बात तो ये कि SIT का मुझे मालूम नहीं है उसकी रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें अहमद पटेल अपराधी नहीं है, बड़ी साफ सी बात है। राशिद अलवी को बता दूं कि मुसलमान हैं अहमद पटेल, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए अहमद पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि अहमद पटेल तो बेचारे वो कर रहे थे जो सोनिया गांधी कर रही थी। तो पहली बात तो मैं मुमताज बहन को भी ये कहूँगा कि वो साफ कर ले कि अहमद पटेल पर कम से कम बीजेपी ने नहीं लगाया, SIT ने क्या लिखा उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। दूसरी बात, 20 साल बाद की है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मामला सब जुडिस था, SIT जांच कर रही है, जांच में जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं वही सामने आई हैं, वही हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है, कोई ऐसे नहीं कि वर्बल टिप्पणी कर दी हो, ऑब्जर्वेशन नहीं है ये SIT की, ये हलफनामा है। दूसरी बात, तीसरी बात जो बड़ी साफ सी बात है कि 30 लाख रुपये में सरकार नहीं गिर सकती, वो तो सब ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा राजनेताओं को कि कितने लाख में या कितने करोड़ में सरकार गिरती है, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ तो सिर्फ एक उसका प्यादा है। ये क्या मल्टीपल लेवल पर नरेंद्र मोदी जी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से बदनाम किया गया, मैगजीन्स के कवर पेज पर डिवाइडर नाम से या और अदर नाम से, या सोनिया जी ने जिस तरीके से वहाँ पे कहा क्या वो खून की खेती या पता नहीं क्या ऐसा कुछ वो बोली थी, वो ये सब कुछ किया गया, ये सब कुछ इन सारे चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। आप सिर्फ एक बात को लेके मत कहिए ना कि यहाँ पर की सिर्फ है। जहाँ तक अजीज खान साहब आपको चुनावों से लगता है, आपको हर बार आपको जहाँ के चुनाव होते हैं वहाँ के लगता है कि अभी क्यों आए सवाल, हर बात
आप टाइमिंग पे उठाते हैं, और आपने कहा गुजरात में बड़ा बुरा हाल है, ये वैसे बुरा हाल है जैसा यूपी में था आपका, समझे ना। आपको भी लग गया था, आप लोगों ने तो शेरवानी अरवानी भी सिलवा ली थी शायद, वो सैलून वैलून जा करके, पार्लर वाले जा करके सज धज भी गए थे, ऐसा मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक अपने आप को फाउंडर मेंबर कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के, एग्जिट पोल वाले दिन का अरे बन गई सरकार, बन गई सपा की, अब तो ये तय होना कि कौन 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 मंत्री बनेगा, ये उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की थी। जल्दी जल्दी सर, देखिए 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 ऐसा है अवस्थी जी, आप कह रहे बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को, भाई इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि 2002 में जो दंगा हुआ गुजरात का, वो एक बहुत बड़ा नरसंहार था, तत्कालीन सीएम माननीय मोदी जी थे वहां पे, अजीज खान जी अच्छा छोटा सा मैं कर दूं, उनकी वो अपनी जिम्मेदारी, अदिति जी इसके बाद मैं जवाब दूंगा, हट नहीं सकते वो। और रही बात उनकी जो बदनामी की है, वो पूरे देश दुनिया ने देखा कि क्या नंगा नाच वहां जिस तरह गुजरात में हुआ, उसमें बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, बदनाम नहीं कर रहा है, नहीं नहीं एक सेकंड, दंगों की बात करें, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, अदिति जवाब मत, किसी भी दंगे को कंपेयर नहीं किया जा सकता, और कोई इक्विवेलेंस भी वाली की जानी चाहिए, लेकिन कम से कम हाई मॉरल ग्राउंड आप तो ऑक्यूपाई करके अच्छे नहीं लगते। डॉक्टर अजीज खान, मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो तब भी फटकार लगाई थी, किसे फटकार लगाई थी डॉक्टर अजीज खान, जब मैं कोई बात नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड नहीं, राजनीति में हाई मॉरल ग्राउंड नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड नहीं, राजनीति में हाई मॉरल ग्राउंड की गुंजाइश, जब सवाल आपसे पूछ लिया तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है, नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ, अब आप खिसिया रहे हैं, आदित्य जी अच्छा आपके मैं नाम पर भी, आपके रिकॉर्ड में भी है, आपके रिकॉर्ड में भी है सर, आपके रिकॉर्ड में भी है, खुशी मिल रही है, आप भाषण दे रहे थे, आप भाषण दे रहे थे, मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया कि राजनीति में हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। अब निजेश अवस्थी 30 सेकंड्स, डॉक्टर अब्दुल मनान प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति जी मैं अजीज खान साहब को बता दूं, मुजफ्फरनगर नहीं, आप गुजरात, नरसंहार तो होता है वहां पर जहां पर एक ही, सिर्फ दंगाइयों पर कहीं कुछ ना हो, विक्टिम मारे जाएं, जैसा कि 1984 में हुआ था, एक दंगाई पुलिस की गोली से क्या लाठी से घायल तक नहीं हुआ था, उसको कहते हैं नरसंहार, समझ गए ना। वहां पर गुजरात के दंगों के समय में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने दंगाई मारे गए, ये बिल्कुल साफ है। और मैं आपको बता दूं, गुजरात में हर साल दंगा होता था, साल में महीने, डेढ़ महीने, दो महीने कर्फ्यू लगा रहता था, विश्व का सबसे बड़ा दंगा 1969 में गुजरात में हुआ था, सालों साल तक चला था, समझे ना। आपको दंगों का इतिहास जिस दिन पढ़ना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको बताऊंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, भिवंडी, मेरठ, मलियाना, जितने कहेंगे उतने आप पढ़ा दूंगा। हाशिमपुरा में क्या हुआ था आपको मालूम है, वो था नरसंहार, जिसके साथ आप सरकार बनाते हैं, उन मुसलमानों को जिस तरीके से मारा गया, कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता है, दंगे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, और दंगा दंगा है, दंगा दंगा है, और इस पर किसी तरह का जस्टिफिकेशन भी यहां पर नहीं होना चाहिए। जल्दी से डॉक्टर अब्दुल मनान, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश थी, बीजेपी ये कह रही है सीधे तौर पर, जिस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ हो, संजीव भट्ट हो, इनका इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी, और वो सीधे तौर पर उंगली सोनिया गांधी पर उठा रहे हैं। देखिए ये मामला हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, गुजरात का भी इलेक्शन होने जा रहा है, इसलिए बीजेपी को एक मुद्दा ऐसा चाहिए कि जिसमें कोई ना कोई अल्पसंख्यक चेहरा हो, उसी अल्पसंख्यक चेहरे के नाम पर इनको बदनाम किया जाए। ये तो अपने आप हंसी का पात्र खुद हो गए हैं बीजेपी के लोग कि 30 लाख में कोई सरकार गिरती है, अरे इन्हें तो मालूम है ना कि महाराष्ट्र में कितने पैसों में इन्होंने सरकार गिराई है। और जहां तक इसका सवाल है कि अहमद भाई पटेल का, एक आदमी जो जिसके पीछे राज्यसभा को हराने में, राज्यसभा की सीट हराने में इनकी पूरी बीजेपी रिकॉर्ड सबके सबको बजा रहे हैं, हरा नहीं पाए थे, आज भी अहमद भाई, और इन्होंने कहा था एक बार अपने इलेक्शन में कि अगर कांग्रेस जीती तो अहमद भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो आज भी इनको कोई एक अल्पसंख्यक चेहरा चाहिए जिसके नाम पर ये हिंदुओं को ध्रुवीकरण कर सके। और वही वजह है कि आज दिवंगत आत्मा अहमद भाई पटेल जैसे शरीफ आदमी को इस सेंटर में करके अपनी राजनीति करना चाहते। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं आरपी सिंह, जवाब लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। आपने नोट किया अदिति, ये सबके सबका रिकॉर्ड एक ही बज रहा है, 30 लाख रुपए उस समय कितना पैसा होता है समझिए, और वो पहली किस्त थी। मैं इतनी देर से नाम टोक रहा था कि कुछ चलो किसी को तंग, किसी का नाम लेना चाहिए, उनके पार्टनर इन क्राइम उनका नाम था रईस खान, कृपा करके रईस खान का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और सुन लीजिएगा, वो ऑन वीडियो भी है अदरवाइज भी है,
उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि एक कोई होटल एसोसिएशन के कोई सज्जन थे, उनको बुलाया, उनको बुलाकर हमको 5 लाख की पहली रकम दी और 25 लाख फिर दिया और फिर कई करोड़ रुपए दिए और हमको सोनिया गांधी जी ने अपने घर पे बुलाया। बड़ा प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी जी किसी कीमत में भी चाहती थी और मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गिराऊं, नरेंद्र मोदी को बदनाम करूं और दुनिया भर में भाजपा को बदनाम करूं, गुजरात सरकार को बदनाम करूं, ये उनकी कोशिश थी पूरी पूरी। वो अंतर्गत हुआ, कोर्ट ने उनको जवाब दे दिया, ये कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए डॉक्टर अजीज खान पहले, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मन्नान, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए देखिए अदिति जी, ऐसा है आरपी सिंह साहब के पास आज कुछ बताने के नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन में बीजेपी ने किया है तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बेनकाब हो गए। ये जनता ने भी देखा, लोगों ने भी देखा कि आज इनके पास जो मुद्दे नहीं है, ये विकास की बात नहीं कर सकते, वहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, वहाँ अचीवमेंट की बात नहीं कर सकते, वो इस तरीके का आपसी गुफा तोड़ करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता समझदार है, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती आरपी सिंह साहब, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती, इस बार जनता गुजरात की आपको सबक सिखाएगी। देखिए आप सरकारें तोड़ देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, सारा काम करते हैं, आप माहिर हैं हर काम में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि चाहे जहाँ की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र की हो, बनी बनाई एक लोकतांत्रिक सरकार, वो गिराने में आप माहिर हैं, गिराते हैं, लेकिन इस बार गुजरात की जनता आपकी सरकार को गिराएगी, गुजरात की जनता आपकी सरकार को गिराएगी। और इस डर से आप लगातार एक मुस्लिम चेहरे को ला करके वहां हमारा ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ध्रुवीकरण अब नहीं होगा। वहां जिस उम्मीद के साथ वहां की जनता ने आपको चुना था, उस उम्मीद पे आप खड़े नहीं उतरे, आपको डर है, आपको लगता है कि इस बार जो है, इस बार आप वहां से पूरी तरह से फेल है। ऐसी स्थिति में ये जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट बहुत पुराना है। इस तरह से डिबेट नहीं। लेकिन पवन शर्मा यहाँ पर सीधे तौर पर कटघरे में सोनिया गांधी को खड़ा कर रही है बीजेपी। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान प्लीज, वो डिबेट क्या है जिसमें किसी को बात ही ना समझ आए सर? ये तो आरपी सिंह साहब को समझा दो ना, हर बीच में आ नहीं, आप तो बहुत आराम से बात कर रहे थे सर, आपको नाम दे रहा हूँ, आप तो बहुत आराम से बात कर रहे थे, अब रुक जाइए सर, सुन लीजिए पवन शर्मा बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी, मैं ऑडियोज डाउन करा दूंगी, सिर्फ मैं ये करूंगी और मैं सारे पैनलिस्ट को अभी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रियोरिटी दर्शक है जो वक्त निकाल कर ये शो देखते हैं, प्लीज तो एक दूसरे को इंटरप्ट मत कीजिएगा। पवन शर्मा सीधे तौर पर कटघरे में बीजेपी सोनिया गांधी को खड़ा कर रही है, कह रही है अहमद पटेल तो सिर्फ मोहरा भरते, सब कुछ हो रहा था सोनिया गांधी के इशारे पर, इस आरोप पर आपका जवाब? अदिति जी, मैं एक बात से शुरुआत करना चाहूंगा, मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं, मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आती से गुलते है ये कहीं चमन को जलाना दे। आप देखिए पिछले 4-5 दिन से पहले आप देखेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी पाकिस्तानी पत्रकार को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें हामिद अंसारी जी को लेके आते हैं, फिर ये जब कांग्रेस इनके इससे पहले जब कांग्रेस ने इनके लोगों के ऊपर आरोप लगाए, प्रमाण दिए कि आपका संबंध आतंकवादियों से है, तब ये सारा प्रोपेगेंडा करते शुरू हुआ है। पहले पत्रकार को लेके आया कि वो साजिशन हामिद अंसारी से मिला है, हामिद अंसारी जी ने उनको बुलाया है, फला फला। अब कल से जो ये पत्रकार जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के प्रवक्ता जो भी हैं, वो आंखें सिर्फ जो है नहीं इस दुनिया में, उस स्वर्ग आत्मा को दुख देने के लिए ये लोग लांछन लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जिन चीजों पे इनको बात करनी चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की आमदनी पे, गरीबी पे, उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किसी आतंकवादी संगठन को लेके आरोप लगाते हैं, और आप ये देखिए ऐसे मामलों पे आरोप लगाते हैं जो मामले विचाराधीन है, कोर्ट के अंदर है। जवाब ले लीजिए पवन शर्मा, जवाब ले लीजिए आरपी सिंह, जवाब दीजिए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न उठाते हैं ये, अब ये कह रहे कि पाकिस्तान में एक ऐसे आईएसए के एजेंट जो इनके बनाए हुए उपराष्ट्रपति पर प्रश्न उठा रहा है, वो हमने वहां पर प्लान किया है।
अरे लोग हंसेंगे, कुछ सोच समझ कर बोला करें। और रोज डिबेट के मुद्दे आप ला रहे हैं, कभी शेर के दांत बड़ा हो गया छोटा हो गया, कभी किस प्रकार की भाषा बोली जाएगी, क्योंकि पहले से कानून चल रहे, हमने कोई नए कानून बनाए। आप डिबेट के कैसे कैसे मुद्दे लेकर रहते हैं। असली मुद्दा तो ये है कि करोड़ों रुपए का छोड़कर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे उनको बदनाम क्यों करना चाहती थी, गुजरात की सरकार को बदनाम क्यों करना चाहती थी, वो दुनिया भर में गुजरात की सरकार को क्यों बदनाम करना चाहती थी। असली मुद्दा ये है वो जो करोड़ों रुपए खर्च अहमद पटेल के माध्यम से इसका जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या हुआ उसका। राशिद अलवी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। सवाल ये है, जो बीजेपी ने आरोप लगाया, जो सवाल हमने थोड़ी देर पहले आरपी सिंह से पूछा भी, बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप मिसेस गांधी पर लगाया, सोनिया गांधी पर लगाया, और ये कहा कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की जो पूरी साजिश थी वो सोनिया गांधी के कहने पर रची गई थी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके चैनल पे व्यूवर्स मेरी इस बात को देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान याद है आपको, देश के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, हम भी उनकी बेपनाह रेस्पेक्ट करते। अटल जी ने कहा था, मोदी जी राजधर्म अपनाइए, छोड़ दीजिए एसआईटी को, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी को, ये अकेला बयान काफी है नरेंद्र मोदी जी की असलियत बताने के लिए। क्या अमरीका से हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को वीजा ना दिया जाए? यह बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि अमेरिका ने क्या किया था। कांग्रेस क्या बदनाम करेगी मोदी जी को? अटल जी का यह बयान बहुत काफी है। अमेरिका का यह कहना हम वीजा नहीं देंगे, ये बहुत काफी है। क्या कारण था, क्यों अटल जी को मजबूरन यह कहना पड़ा कि राजधर्म अपनाओ? इसका मतलब वो राजधर्म नहीं अपना रहे थे, और अगर वो राजधर्म नहीं अपना रहे थे तो इससे ज्यादा बदनामी की बात और क्या हो सकती है? नहीं, आपने वीडियो के एक अंश की अनदेखी की, आपने वीडियो के एक अंश की अनदेखी की, जिसमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं वही तो कर रहे हैं, राजधर्म निभाने की बात वो कहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्हें राजधर्म क्यों याद दिलाना पड़ा? अवनिजेश अवस्थी। अदिति जी, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि 2004 तक, जब तक अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, अगर मैं कटिंग दिखा दूं अखबारों की और आप लोगों के बयान दिखा दूं, राशिद अलवी गद्दार कहा था उन्हें, गद्दार। और आप कह रहे हैं बड़ा सम्मान करते थे, अंग्रेजों के पिट्ठू कहते थे आप उनको, क्योंकि झूठ बोलने में आपसे ज़्यादा तो कोई है नहीं। अंग्रेजों के पिट्ठू कौन था, कौन किसके साथ कहाँ माउंटबेटन के साथ कौन रहता था, किसकी दोस्ती थी यारी थी, वो आप लोग जानते हैं ज़्यादा बेहतर, मैं उस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और वो इतिहास है कि किसने क्या लिखा, संसद में जाकर के, अगर संसदीय संग्रहालय में जाकर देख लेंगे तो वहाँ बाकायदा लिखा मिलेगा। गद्दार कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को, और किसने कहा था ये आप बताएंगे अभी। बात बड़ी महत्वपूर्ण है अदिति जी, कि ये कहा गया कि अब क्यों, अब क्यों, अब क्यों। भैया बात सुनो, तीसता शीतलवाद के बाद पहली बार नहीं है ये, और न सिर्फ 30 लाख है, आप लोग 30 लाख में सरकार नहीं गिर सकते, पता नहीं आप लोगों को रेट वेट मालूम होगा। अरे उनको HRD मिनिस्ट्री से मिला, NCERT के उसके बावजूद मिला, NCERT के ऑब्जेक्शन दो दो तीन तीन बार मिला, उसके बावजूद कपिल सिब्बल ने ऐसे एज ए मिनिस्टर खुद कर दिया कि नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है भैया, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का खेल है ये, सिर्फ 30 लाख का नहीं, 30 लाख, 30 लाख का था वो है जो उन्होंने बताया कि जिसका प्रमाण एकदम साक्षात मिल गया है, बाकी क्या क्या होता रहा इसका कुछ अंदाजा नहीं है। बात बड़ी साफ सी है, जो भी लोग कह रहे हैं गुजरात में जो दंगे हुए वो दंगे बहुत ही शर्मनाक थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ, उसमें हिंदू जो दंगाई थे वो मारे गए। इससे पहले गुजरात में हर साल अहमदाबाद में सूरत में कर्फ्यू लगा करता था, सबको मालूम है, और न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश भर में लगा करता था। अलीगढ़ बदनाम था, मेरठ बदनाम था, मलियाना, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, भिवंडी, और क्या क्या नाम बताऊं आपको मैं, हर जगह होता था ये। आप लोगों को ये दंगे बहुत सुहाते थे राशिद अलवी जी, क्योंकि आपको उस मौके से ये कहने का मौका मिलता था उस अवसर पर कि देखो मुसलमान डरा हुआ है, देखो ये मुसलमान इस्लाम खतरे में है, देखो ये यहाँ पर ये हो रहा है, कुछ हिंदूवादी, कुछ सांप्रदायिक, कुछ फिरका परस्त ताकतें ये कर रही हैं।
ये राशिद अरवी जी, आपको तो मिल गया, आम मुसलमान को मिला क्या? वो तो पंक्चर लगा रहा है, बढ़ई का काम कर रहा है अभी भी। आप मिल गए, आप राज्यसभा पहुंच गए, आप विधानसभा पहुंच गए, आप नेता बन गए, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, मुसलमान को क्या मिला? आम मुसलमान को, वो आपकी तरफ देख रहा है कि मुझे क्या मिला इस देश में। आज मुझे मुफ्त में उज्ज्वला गैस मिल रही है, आज मुझे घर मिल रहा है। जो घर बन रहे हैं ना, वो सिर्फ एक मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पर नहीं है, उनकी ज़मीन पर आम गरीबों के घर बन रहे हैं उस पर। तो योगी जी ने अपने नाम नहीं करा ली वो ज़मीन, समझे ना राशिद अलवी, वो उन लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को, उन किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं, आप देख लीजिए जा करके। इसलिए आप लोगों ने जो इतने साल तक किया और डिवाइडर, और अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि मुसलमान जो है बहुत पिछड़ा है और मुसलमान को आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बात सही है कि कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी मुसलमान के नाम पर लूलू नाम का एक बना हुआ है वो लखनऊ में, जिसका मालिक मुसलमान है, वहां यही बीजेपी के लोग, यही आरएसएस के लोग दंगा फैलाए हुए। और जहां तक इसकी बात है कि मोदी जी के बदनाम करने का मामला, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कौन नहीं जानता है कि पूरी दुनिया में बदनाम थे, जबकि एहसान जाफरी जो कांग्रेस के एमपी थे उनको जिंदा जला दिया था, कोई फोन उठाने वाला नहीं था, और अमेरिका से वीजा रद्द हो गया था कि इस आदमी को अमेरिका में आने के परमिशन नहीं है। तो उसमें जो है बदनाम आदमी को बदनाम करने की क्या जरूरत थी, उस जमाने के लिए तो वो बदनाम थे ही मामला में, और आज ये आके बताते हैं। अदिति जी मेरा नाम लिया है तो मैं जवाब दूंगा, मुसलमान खान भी बनता है, मुसलमान को मौका दो तो सलमान खान भी बनता है, लेकिन कोई भी मुसलमान जब बड़ी पोस्ट पे जाता है तो उसको टारगेट बना के, जैसे आज लूलू के मालिक को बनाया जा रहा है लखनऊ में, और जैसे आपने अहमद भाई को अल्लाह के प्यारे हो गए उनको टारगेट तुम बना रहे हो, और जैसे तुम जो है बाकी लोगों को टारगेट बना रहे हो, सलमान खान को, शाहरुख खान को टारगेट बना रहे हो, तुम्हारे लिए यही सांप्रदायिकता, यही कांग्रेस वोट लेती थी बना के सत्ता में आने का बहाना। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, कांग्रेस वोट लेती थी और आप मुसलमानों की आवाज है सर, आप मुसलमानों की आवाज है। यूपी इलेक्शन में क्या हुआ फिर सर, यूपी इलेक्शन में क्या हुआ, मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा, क्या हुआ सर, आप किसी आने लगे, आप क्या हुआ सर? अदिति जी बार बार आप यही ताना हमको मार रही हो। ताना नहीं है सर, मैं तथ्य रख रही हूँ, ताना तो आप समझ रहे हैं सर, अब यही फेर है ना, अब यही फेर है, मैं तथ्य रखती हूँ तो आप उसको ताना समझ लेते हैं सर, ताना तो आपको जनता ने मारा, मैंने तो आपसे सिर्फ सवाल पूछा है, आपने भी जो आरोप कांग्रेस पर लगाया वही आरोप तो आपकी पार्टी पर भी है ना सर, और चलिए कांग्रेस को तो आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट लेती थी, वहां पर तो आप देखिए आपको वोट भी नहीं दिया मुसलमान, आपने कितना कहा मुसलमान असुरक्षित, मुसलमान खतरे में, मुसलमान दरी बिछाता रहेगा, मुसलमान ये करता रहेगा, मुसलमान कब तक यही करता रहेगा, आगे कब बढ़ेगा, उसकी लीडरशिप कब होगी, नहीं सुना आपको, नहीं सुना, तो ये भी तो आप याद रखें। अवनिजेश अवस्थी, अब अवनिजेश अवस्थी आपको जवाब देना चाह रहे थे, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। मैं सुन नहीं पा रही हूँ उन्हें क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पा रही हूँ मैं जी। अवनिजेश अवस्थी, मन्नान साहब सुन लीजिए, लूलू मॉल में जो 9 लोग गए थे नमाज पढ़ने, उन्होंने न वहाँ शॉपिंग की, न किसी और फ्लोर पे गए, एक सेकंड थर्ड फ्लोर पे जा कर के नमाज पढ़ी और वापस निकल आए, तो किसने किया ये सब ड्रामा नौटंकी, भड़काने का काम? बीजेपी को कह रहे हैं आपको, जरा से भी आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती, ये जुबान नहीं लड़खड़ाती, नहीं सिर्फ वहाँ मॉल के अंदर इसलिए जाना था मॉल के अंदर इसलिए गए थे कि वहां पूजा पाठ करनी थी, इबादत करनी थी, अरे बात जानती है ना, जनता जानती है। दूसरी बात सुन लीजिए, पहली बात, नरेंद्र मोदी को वीजा देने के लिए मना करने का काम हिंदुस्तान के राजनेताओं ने किया था, टॉप, देखिए मैं बीच में आपके नहीं बोलता बीच में, आप बोलते रहे, थोड़ी सी रखो, ठीक है ना, तो वो लोग सिर्फ ये दिख, वो लोग लूलू मॉल में दिखाने ये गए थे कि हम देखो नमाज पढ़ने गए, ना उन्होंने शॉपिंग की, ना कुछ और काम किया, घुसे थर्ड फ्लोर में गए और वहाँ पर जाकर के इबादत की और वापस आ गए, बाहर निकल आए, वो अपनी वीडियो बनवा ली, वो वायरल कर दी, ये काम था। ये कौन भड़काने का काम कर रहा है ये आप जानते हैं, और आप नहीं जानते तो जनता जानती है, पहली बात। दूसरी बात,
नरेंद्र मोदी को वीजा देने के से मना किया गया था भारत के उन राजनेताओं ने जो भारत के शीर्ष पद पर बैठे हुए थे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को वीजा देने का काम, और आज आप जान रहे हैं जिन्होंने वीजा देने से मना किया था ना, और जिन्होंने मना किया था उनके साथ तो कभी हाथ मिलाया नहीं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के बाद सीढ़ियों से पीछे भागते हुए आता अमेरिका का राष्ट्रपति। अरे बात सुनो, यह है नरेंद्र मोदी की ताकत, आपको समझ में नहीं आती। और नरेंद्र मोदी की ताकत मतलब भारतवर्ष की ताकत, हमारी ताकत 140 करोड़, आपको समझ में नहीं आएगी आपको। यह नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई भगवान नहीं है कि जिनको क्रिटिसाइज न किया जा सके। अरे पहले भी होते थे, पहले भी भारत के प्रधानमंत्री होते थे, बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री होते, सबकी इज्जत की जाती थी, प्रधानमंत्री के हिस्से से नरेंद्र मोदी की इज्जत की जाती है, लेकिन उनकी गलत नीतियां हैं। आज 80 रुपए का डॉलर हो गया है तो हम नहीं बोलेंगे क्या कि रुपए के उतार घटा दिया और सरकार की वो घट गई। डॉलर को आपने 80 रुपए का कर दिया जो भारत में कभी। चलिए डॉलर से अभी आप आज के मुद्दे पर आ जाइए। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ आ गए हैं। तौसीफ अहमद खान, आपने सुना किस तरह से बीजेपी द्वारा आज एक मुद्दे को बार बार उठाया गया, और वो था कि सोनिया गांधी के इशारे पर गुजरात में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, यानी नरेंद्र मोदी जब वहां पर सीएम थे गुजरात दंगों के बाद, किस तरह सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, अस्थिर करने की कोशिश की गई, और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की एक साजिश का आरोप बीजेपी लगा रही है। नहीं देखिए, ये तो बहुत बड़ा सच है कि गुजरात में दंगा हुआ, उसमें बहुत लोगों की जाने गई, और उस वक्त नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे। आज उससे तो उसके खिलाफ तो वो नहीं बोलेंगे ना कि कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, मैं तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर ही नहीं था। वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर थे, पुलिस उनके अंडर काम करती थी। एहसान जाफरी का कॉल गया और लोगों का कॉल गया, उनके तरफ से जो उचित कार्रवाई होना चाहिए एज अ चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के लोगों को बचाने के लिए, उन्होंने नहीं किया, ये तो फैक्ट है। हाँ, केस का मामला है, कोर्ट में केस चल रहा है, आप आफ्टर थॉट करते हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए, आप अपने आप को इन ऐसे देखिए, पाप नहीं धुलेगा, ये पाप नहीं धुल सकता। आप भले ही जितना सिस्टमैटिक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड कीजिए, एलिगेशन लगाइए, कांग्रेस पे इल्जाम लगाइए, अहमद पटेल पे इल्जाम लगाइए, आप उस जमाने की जो सरकार थी सेंटर में उस पे इल्जाम लगाइए, आप सच्चाई तो यह है कि स्टेट में आपकी सरकार थी, पुलिस आपकी थी, उसके बावजूद आपने जो है कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, और ये जो दाग आपके दामन में है, नरेंद्र मोदी के ये दाग अपने दामन पे, ये दाग को धोने के लिए वो ये तरह तरह के कॉन्स्पिरेसी के साथ आ रहे हैं, ये एक नया नया इल्जाम लगा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये इस तरह अपने बचाव में इस तरह की बात बोलने से वो जितना बोलेंगे उतना ज्यादा लोगों को ठीक है जवाब लेंगे, इस पर जवाब लेंगे। तो तौसीफ अहमद खान ये आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह की गुजरात दंगों को लेकर जो बदनामी हुई, जो छवि दागदार हुई, उन दागों को धोने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी पर धब्बा लगाकर, दाग लगाकर की जा रही है, आपका जवाब। असल में इनमें से किसी को भी कोर्ट पे यकीन नहीं है, कोर्ट के किसी फैसले पे यकीन नहीं करते, ना कोर्ट पे कोर्ट को मान्य करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी ने कहा कि तीस्ता और उनके बाकी साथी इसमें इन्वॉल्व थे, वो उन्होंने ये जानकर एक साजिश रची, ये सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी द्वारा बताए गए तथ्य है कि 5 लाख रुपए और 25 लाख रुपए शुरू में दिए, उसके बाद तो करोड़ों रुपए का तांता लग गया पैसा देने का। और आपको मैंने अभी कहा रईस खान ने नाम हमें सोनिया गांधी ने घर पे बुलाया और कहा पैसे की कमी नहीं है, अहमद पटेल पैसे की कमी आपको नहीं देंगे, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दीजिए, परंतु आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर जो आप गुजरात के बीजेपी की हिम्मत नहीं थी कि अहमद पटेल के जीवन में उनके खिलाफ कुछ एक शब्द बोले। रईस खान को कहा, ये रईस खान अभी जिंदा है, वो एसआईटी के सामने अपने बयान दे चुके हैं। आरपी सिंह जी अभी तौसीफ अहमद खान ने दूसरा सवाल आपसे ये किया, जब अहमद पटेल जिंदा थे तब ये बातें, तब ये आरोप क्यों नहीं लगाए गए, उनका सच से सामना क्यों नहीं कराया गया, और अब ये बातें क्यों कही जा रही है, ये पूछ रहे तौसीफ अहमद खान। ये हमने नहीं लगाया आरोप, ये एसआईटी की जांच से निकली चीजें, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ये सारी जांच से निकली चीजें, ये जो
पार्टनर इन क्राइम में एक बार बार कह रहा हूं, जो चिकित्सा के साथ थे ये उन लोगों ने कहा है, ये उन्होंने जानकारी दी है, उन्होंने अपने घटना में दाखिल किए हैं, ये हमारे कहने पे नहीं है ना जी। इसलिए जब कोई चीज सामने आएगी तभी तो रखी जाएगी, परंतु ठीक है तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं जब कोई चीज सामने आएगी तभी तो रखी जाएगी, हर बार टाइमिंग का सवाल उठाकर थोड़े ही ना किसी का बचाव किया जाएगा, ये कह रहे हैं। ये कोई चीज सामने आएगी ये कब का मामला बोल रहे हैं, ये एक साल पुराना या दो साल पुराना वाकया तो नहीं बोल रहे, ये तो वाकया वही पुराने जमाने का बोल रहे हैं, मुसलसल ये सरकार में रहे, ऐसा भी ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो तब विपक्ष में थे, पुलिस तो आपके हाथों में। देखिए अदिति जी सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में ये जो दाग है एज अ चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको जो ये दाग लगा है, ये दाग वो धोने की कोशिश कर रहे हैं और दाग जतन कर ले, ये दाग छूटने वाला नहीं, आप लोगों ने पूरी कोशिश करी, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी, आप जितना भी एसआईटी का रिपोर्ट में मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस डाल दीजिए, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल डाल दीजिए, आफ्टर थॉट स्टडी बना लीजिए, लेकिन कोई हिसाब से आपके दामन से दाग धोने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के जिंदगी के ये कड़वी सच्चाई है कि वो चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री भले ही बन गए, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर वो बहुत ही दागदार रहा है। ऐसे मामले में हम प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हें उनकी गलत नीतियों पे तनकीद कर सकते हैं कि हाँ उनकी नीतियां बहुत सारी ऐसे नॉनस्टॉप बोलने से नहीं होगा ना सर, डिबेट में वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखें सर, एक साथ दो लोग बोलेंगे किसी को क्या समझ आ रहा है सर, प्लीज आपको मैंने काफी वक्त दिया इस डिस्कशन में, हर आरोप हर सवाल जो आपकी पार्टी से पूछा गया उस पर मैंने आपका जवाब लिया है सर, अब वो कुछ बोल रहे हैं आप कुछ बोल रहे हैं, डिबेट का मतलब होता है सवाल का जवाब, वाद विवाद, प्लीज सर। तौसीफ अहमद खान 20 सेकंड्स बात पूरी करें प्लीज जल्दी से। देखिए अदिति जी, प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कराने का इल्जाम नहीं लगा, लेकिन ये इल्जाम उनके ऊपर में है गुजरात प्रोग्राम का जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और ये दाग उनके साथ चलता है। प्रधानमंत्री के तौर पे हम उनकी तनकीद करते हैं कि वो उनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश का माली हालात बहुत खराब हो चुका है, लेकिन वो अभी इस बात से परेशान है और साथ में वो चाहते हैं कि पुराने दाग को भी धो दिया जाए, और ये नामुमकिन है, इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब ये मान रहे हैं कि अभी देश में अजय ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है, तौसीफ अहमद खान ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि आप उनकी आलोचना प्रधानमंत्री के तौर पर इस बात के लिए कर सकते हैं कि इकोनॉमी के फ्रंट पर इश्यूज रहे हैं, ये अच्छी बात है, अपने आप में आप एक नया नैरेटिव सेट करें, क्योंकि ऑपोजिशन तो लगातार उन्हें इस बात प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनसे बार बार ये कहा जाता है, ये जो लिंचिंग हो रही है, ये जो सर तन से जुदा के नारे लगे या फिर जो पथराव हुआ उस सब में प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, नफरत की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, तो आज तो आपने प्रधानमंत्री के नफरत की राजनीति नहीं आज आपने राजनीति के लिए जाने में कहा सोच समझ कर, लेकिन जो प्रोग्राम है गुजरात का जो प्रोग्राम है जिसमें कितनी घिनौने तरीके से लोगों को मारा गया, वो पाप नरेंद्र मोदी जी के दामन से नहीं धुल सकता, उनका चीफ मिनिस्टर का जब भी तो एज अ चीफ मिनिस्टर उनकी बातें की जाएगी, ये बातें भी उनके साथ साथ चलता रहेगा। प्रधानमंत्री के तौर पे जी हाँ, वो हेट स्पीच कहीं होता है, हेट क्राइम होता है, तो वो गुजरात में क्या सिर्फ एक सेकंड तौसीफ अहमद खान का जो रोल है वो गुजरात में क्या सिर्फ धर्म विशेष के लोग मारे गए थे, एक धर्म विशेष के लोग मारे गए थे, नहीं बोला मैंने, बोला कि गुजरात के नहीं नहीं, आप जब ये जिस आरोप की आप बात कर रहे हैं सर, जिस आरोप की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये उन पर एक धब्बा है और ये एक दाग है, तो उस पिक्चर को भी टोटालिटी में आप देखेंगे ना सर, हाफ ट्रूथ थोड़ी आप दिखाएंगे, हाफ फैक्ट्स थोड़ी रखेंगे, पूरी पिक्चर की बात करेंगे ना सर, बताइए क्या पूरी पिक्चर की आप बात करेंगे ना, चलिए आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं विजय श्रीवास्ती से ले लूंगी, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, राजनीति के लिए आधी अधूरी तस्वीर ना दिखाई जाए, अभी जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर अजीज खान कह रहे थे उन्हें गुजरात दंगे याद थे, मुजफ्फरनगर दंगे भूल गए थे उस समय, तो पूरी टोटालिटी में राजनीति इस पर बात करें, मेरी सिर्फ आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है। अवनी जयेश अवस्थी, अरे मुजफ्फरनगर में अवनी जयेश, आप तो समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं है,
आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, टीएमसी को सपोर्ट करते चले, टीएमसी को लेकर आपसे सवाल पूछ लूंगी। ठीक है अदिति जी, अदिति जी बड़ी साफ सी बात, पुष्टिकरण के आरोप टीएमसी पर भी लगते हैं। जी कहा था, राशिद अरबी को भी कहा था, तौसीफ खान को भी कह रहा हूँ। आप दंगों के भारतवर्ष में और 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं नोआखाली और डायरेक्ट एक्शन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मोपला की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं 1947 के पश्चात लगातार हाशिमपुरा भागलपुर जो भी हुआ है, गुजरात के दंगों का इतिहास अगर तौसीफ खान अगर आपको नहीं मालूम है तो जाके देखिए क्या होता था वहाँ पे। हर वर्ष होता था, साल में महीना डेढ़ महीना कर्फ्यू लगा ही रहता था। और जो 2002 के दंगों की वहाँ की वास्तविकता और हकीकत जानेंगे ना आप, तो वहाँ देखेंगे कि जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से आसपास के राज्यों ने वहाँ पर पुलिस और आर्मी तक नहीं आने दी। सच्चाई ये है, कोई व्यक्ति अगर नहीं बोलता तो आप इस तरीके से करोगे उसको? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने आर्मी तक नहीं आने दी थी, कहां कहां से मंगा और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि वहां के जो मुसलमान हैं, आपके जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं उनकी जीडीपी और गुजरात के मुसलमानों की जीडीपी देख लीजिए क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं किया वहां पर हिंदू मुसलमान में, कोई अंतर नहीं किया आपको, ये अंदाज़ा आपको नहीं है, गुजरात के लोगों को है। दरअसल इसीलिए गुजरात में लगातार वो जीतते रहे, वहां की जनता जीतती रही है। इसलिए तौसीफ खान, बड़ी साफ सी बात है कि आप ये माने कि लगातार एक नैरेटिव तय किया गया कि इस आदमी को टारगेट करना है, इस आदमी को, और वो हर बार बड़े संयम से, बड़े आत्मनियंत्रण से सब बातों का जवाब देते हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एजेंसी हो, नौ घंटे तक पूछताछ होती रही हो, बीजेपी कार्यकर्ता वहां घेराव करने नहीं पहुंचा था। अब सुन तो लीजिए ना, रॉयट की बात कर रहा हूँ, अभी एसआईटी की रिपोर्ट आई है ना, वहाँ पे किस तरीके से हुआ है, किसने भड़काए वहाँ पर, किस तरीके से झूठे हलफनामे दायर किए गए, तीसरा सितलर ने वही किया ना, पैसा इकट्ठा किया और मुसलमानों के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, खुद कहाँ पे खर्च हुए, वाइन डाइन पे खर्च हुए सब आपको मालूम है, और मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया, उनसे झूठा एफिडेविट लगा दिया, वो तो बच गए, उन्होंने कहा जी हमने ये नहीं कहा, उनके ऊपर आरोप लगते अगर वो कहते कि हाँ ये है तो बात सच्चाई की है, सच्चाई को स्वीकार कर लो। इस तरीके से राजनीतिक स्वार्थ में, महत्वाकांक्षा में कई लोग, डॉक्टर अजीज खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं वो ले लीजिए, उसके बाद हाशिमपुरा को याद करो, भागलपुर याद करो, मुजफ्फरनगर याद करो। ठीक, देखिए अदिति जी अवस्थी की बहुत ही चौरासी का सिखों का नरसंहार भी याद करो। सर मुझे मौका देखिए, अवस्थी जी बहुत ही बुद्धिजीवी शख्स है, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने कई दंगों का जिक्र किया, इन्होंने कहा भागलपुर का दंगा हुआ, हाशिमपुरा का हुआ, मलियाना का हुआ, इसमें निसंदेह ये बहुत बड़े दंगे थे, इसमें बड़े नरसंहार हुए हैं, देश को हिला दिया इन दंगों ने, लेकिन क्या इन दंगों के बदले, इन दंगों को देख करके क्या 2002 का गुजरात का दंगा जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या जस्टिफाई करेंगे उस दंगे को? नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। 2002 का जो दंगा रहा है वो ऐतिहासिक दंगा रहा है, मुझे लग रहा है 2002 के बाद अब तक जो दंगे हुए होंगे शायद इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अभी लगातार मैं कह रहा हूं साहब, डीस्टेबलाइज बात हो रही है, सरकार गिराने की साजिश हो रही है। देखिए अभी राशिद अल्वी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, और मैं ये बात कहने वाला था कि उस वक्त का स्टेटमेंट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने माननीय मोदी जी को याद दिलाया था, राजधर्म का याद दिलाया था। आखिर राजधर्म की बात आई क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बात राजधर्म की बात आई है, इसका मतलब राजधर्म नहीं निभाया जा रहा था, यह बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में जो ये दाग है माननीय मोदी जी के ऊपर, इस दाग को आप नहीं धो सकते। आप आज के काउंटर को देख करके, सर वो जनता डिसाइड कर लेगी, वो देश की अदालतें डिसाइड कर लेंगी सर, आपको नहीं धोते हैं। नहीं सर, वो आपके पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए ठीक है सर, लेकिन कौन धो पाएगा कौन से दाग को, वो आप छोड़ दीजिए जनता पर, वो आप छोड़ दीजिए अदालतों पर, जो चार्जेस लगते हैं उनके लिए तो अदालतें हैं ना सर। डॉक्टर अजीज खान, हम और आप थोड़ी ना अदालत चलाते हैं, छोड़ दीजिए। आरपी सिंह आपको जवाब देना चाह रहे थे, आरपी सिंह। मैं ये जो बार बार विषय राजधर्म का ला जा रहा है, मैं चाहूंगा, मैं वीडियो आपको भेज दिया मैंने, मैं चाहूंगा कि पूरा दहा दीजिए। अटल जी ने यह भी कहा कि हाँ मोदी जी अपना राजधर्म पा रहे हैं पूरा, ये भी कहा वो, आप उन्होंने शुरू से किया, फिर बाकी स्टेटमेंट नहीं बताते ना, एक बात। दूसरी बात, अभी यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे नहीं वहाँ पर प्रोग्राम, वहाँ पर हत्याएं की गई एक तरफा, 790 मुसलमान की हत्या हुई, 254 हिंदुओं की हुई, दिल्ली में 3300 सिख मारे गए थे टायर डाल डाल कर,
उससे कहते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम उससे नहीं कहते जब आपस में कोई दो 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 धड़े आपस में लड़ते हैं। तीसरी आखिरी बात, ये बार बार इसको हिंदू मुस्लिम लंका बनाना चाहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, ये एक अलग प्रकार से जब कोई के मुसलमानों के मन में अलग प्रकार की भावना खड़ी कर रहे हैं, ये जानकर ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके मन में, मुसलमानों के मन में, और उस नैरेटिव पर ये राजनीति करना चाहते हैं। अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग इसमें बहक रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि उनके यहाँ भी जो मौलवी मौलाना इसकी चिंता करें कि वो इस प्रकार के नैरेटिव में बहके ना। और एक आखिरी बात सर, इनकी जानकारी में दे रहा हूँ, 2019 की सरकार बनने के बाद सरकार का पहला फैसला था 5 करोड़ माइनॉरिटी के बच्चों के लिए वसीफा दिया जाए, ये सरकार का पहला फैसला था 2019 की सरकार बनने के बाद। ठीक है, ये बार बार रेटिबल्ड करते रहे, परंतु असली बात यह है, असली बात यह है कि इस सारे के पीछे सोनिया गांधी जी का हाथ था, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्चा। जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज का, उसके बाद तौसीफ अहमद प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए आदित्य जी, देखिए सिंह साहब, आप बार बार हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, सब दंगे में चाहे हिंदू भाई मरे या मुसलमान भाई मरे, मौत तो इंसान की हो रही है। मैंने नहीं करी। और अगर इंसान का कत्ल हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करना चाहते। जो दंगा हुआ उसे हिंदू भाई भी मारा गया, उसे मुसलमान भी मारा गया, दंगा के हुए क्यों? कोई भी दंगा होता है उसमें किसी एक कम्युनिटी का शख्स नहीं मारा जाता है, उसमें सभी लोग मारे जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस दंगे को बार बार ये मत कहें साहब मुसलमान नहीं मारा गया, हिंदू नहीं मारा गया, मुसलमान नहीं मारा गया, हिंदू भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया, दोनों मारे गए, और ये दोनों गलत है, दोनों इंसानियत के लिए गलत है। चाहे हिंदू भाई मरता है चाहे मुसलमान मरता है, दोनों नहीं मारे जाने चाहिए, क्योंकि जब दंगा होता है तो दोनों मारे जाते हैं। दिल्ली में क्यों नहीं मारे गए? दिल्ली में एक तरफा कैसे हुआ? दिल्ली में 3300 सिर्फ सिख क्यों टायर डाल डालकर जलाए गए थे? वो तो सरकार ने अपने आप प्रायोजित किया था, वो तो राजीव गांधी ने खुद कराया था। देखिए दिल्ली की स्थिति अलग रही है, गुजरात की स्थिति अलग रही है, दिल्ली के हालात अलग थे। दिल्ली में जो अभी जो रिसेंटली दिल्ली में दंगा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार रहा? पिछले साल जो दिल्ली में दंगा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार? देश में लगातार तमाम भड़काऊ नारे लगाए गए, तमाम वहां के हालात की कोशिश की गई। किस तरह की रीजनिंग दे रहे हैं सर? दिल्ली का दंगा आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं कि सिखों के साथ क्या हुआ, आप कह रहे हैं तब हालात अलग थे, आपको मतलब क्या है सर? आप जान लेना, जान चले जाना, इसे भी आप अपनी कन्वीनियंस की राजनीति में के प्रिज्म से देखते हैं सर? नहीं, किस तरह की आप बातें कर रहे? थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए कहा था कि हाई मॉरल ग्राउंड रख लीजिएगा, आप खुद को एक के बाद एक एक्सपोज करते चले जा रहे हैं सर। आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, गोधरा में जो 59 कार सेवक जला दिए गए थे उसका प्रतिशोध नहीं आप देख सकते फिर? मैंने कहा वो एक्सीडेंट को एक्सीडेंट है, उसको सोसाइटी का फंडिंग है, दोनों नहीं मारे जाने चाहिए। दिल्ली में जो दंगा हुआ वो भी गलत रहा, बिल्कुल गलत था दिल्ली का दंगा, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हमने कहा वो दंगा दिल्ली में दंगा नहीं हुआ था, नरसंहार हुआ था। जो दिल्ली में दंगा हुआ उसको दंगा मत कहिए, उसको दंगा मत कहिए, कोई दंगा नहीं था, नरसंहार था वो एक पार्टी का, सरकार द्वारा आयोजित कांग्रेस नरसंहार था। आयोजित दिल्ली में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक घटना था, दिल्ली में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक था। ठीक है, अब जल्दी से तौसीफ अहमद का आवाज है तो केयरफुल रहिए जब आप बात करते हैं सर, जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर शब्दों को चूज किया कीजिए सर, केयरफुल होकर, करोड़ों दर्शक देखते सुनते हैं सर, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ भी मत बोलिए राजनीति के नाम पर प्लीज। तौसीफ अहमद खान, देखिए देखिए अदिति जी, डॉक्टर अब्दुल मनान इसके बाद मैं आपको मंच दूंगी सर, एक मिनट। अदिति जी देखिए, गुजरात के दंगों का जो भूत है वो आज भी नरेंद्र मोदी जी को सताने आता है। ये गुजरात के दंगों का भूत है जो नरेंद्र मोदी जी का नींद आज भी उड़ाता है, भले ही वो महल नए नए महल बना के सो रहे हो। और यही वजह है कि पिछले एसआईटी के चीफ को, जिसने चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दिया था, नरेंद्र मोदी एज अ चीफ मिनिस्टर गुजरात दंगा से जिस एसआईटी ने क्लीन चिट दिया था उनको एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट मिल गया। अब ये फिर नया एसआईटी है, भाई आप अपना काम कीजिए, आप बादशाह को खुश कर दीजिए, आप जो है हिज हाइनेस को खुश कर दीजिए और अपना रिवॉर्ड लेकर के जाइए, ये यही है। वरना क्या वजह है कि आज भी ये इतने परेशान है कि किसी न किसी मटेरियल के जरिया, किसी न किसी एसआईटी के जरिया
गुजरात चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दे दिया जाए, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया जाए। आज भी यह कोशिश जारी है, जारी इसलिए क्योंकि ये गिल्टी फीलिंग उनके मन में है जो कभी वो मन से हट नहीं सकता, और ये वजह आज तक बात नहीं करना चाहते। हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, हम कभी और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अमनिजेश अवस्थी। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री, पूरे चुनाव आयोग उसकी वजह से। क्या उसको हम कह दें कि चुनाव आयोग में जब MS गिल थे तो उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के लिए काम किया? कहाँ आप बात करते हैं आप? अरे खुलेंगे, अगर खोलने लगूँ ना मैं तो पता चलेगा कौन कहाँ पर किसने कहाँ किसका सहयोग किया, और फिर बाद में उसको क्या मिला। लंबी चौड़ी फेरिश्त है। आसाम में आप जानते हैं ना, एक जज को राज्यसभा मेंबरी दी गई एक फैसले के लिए, उसको दोबारा जज बनाया गया, फिर उसने जजशिप से इस्तीफा दिया, फिर राज्यसभा मेंबर बन गया। अबे क्या क्या है, मजाक क्या क्या हुआ है, आपको नहीं मालूम? इतिहास बताऊंगा तो आप कई बार कहेंगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बात बड़ी साफ सी है, 2002 में गोधरा में एक ट्रेन में 59 कार सेवकों को एक डब्बे में जला के मार दिया गया। उसके वो एक्सीडेंट कारण प्रतिक्रिया नहीं कह रहा हूं मैं, प्रतिक्रिया नहीं। वो ये आपकी SIT, आप भी SIT के मेंबर हैं, आप भी एक SIT हैं क्या? आप एक SIT हैं, आपने निष्कर्ष दे दिया वो एक्सीडेंट था? जस्टिस बैनर्जी, आप कौन है? जस्टिस बैनर्जी के क्या क्या अधिकार है आपके पास ये कहने का? क्या अधिकार है आपके पास ये कहने का? सुप्रीम कोर्ट के जज का SIT का रिपोर्ट है उस SIT को आप मान रहे हैं? इस वाली SIT को नहीं मानेंगे? क्या क्या नकाब उतरा आपके चेहरे से? एक SIT का उदाहरण दे रहे हैं आपकी, उसने ठीक किया, दूसरी SIT कह रहे हैं उसने गलत किया, नकाब उतर गया आपके चेहरे से? अब आ गई ठंडक पड़ गई दर्शकों के सामने, आपका आपका दर्शकों के सामने पूरी की पूरी आपकी उतर गई ना, दर्शकों के सामने पूरी उतर गई। इसके लिए बैठे थे, इसीलिए बैठे थे आप। आप वाली क्या होती है? वो आप वाली थी, वो SIT आपके, वो SIT आप वाली थी ना, वो SIT आप वाली थी, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई फाइंडिंग नहीं है, कोई कंक्लूजन, कोई प्रूफ, कंक्लूजन प्रूफ नहीं है। सुन लीजिए, और किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ दुश्मन राष्ट्र में, दुश्मन देश में जाकर के किसी भूतपूर्व मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम तो हटा नहीं पा रहे जी, आप हमें मदद करो। किसी ने कहा, वो किसी एक पत्रकार को लिया है नहीं, वो पाकिस्तानी इसलिए बड़ी साफ बात है, सोच समझ के बोला। अगर ये चाहें लोग कि कांग्रेस के लोग चाहें कि दिल्ली दंगों का दाग अपने दामन से धुल लें तो कभी नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि जब इंदिरा गांधी मारी गई तो राजीव गांधी ने खुद कहा कि जब कोई तनाव पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दंगों का दाग अपने दामन से नहीं धो सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रिया का प्रतिक्रिया, यानी कि जो लोग 800 लोग मारे गए वो प्रतिक्रिया में मारे गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अफसोस नहीं हजारों लोग मार दिए गए, तो कहा कि जब कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता है तब मुझे अफसोस हो जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी को हर इलेक्शन में वो पहचान लेते हैं दंगाइयों को कपड़ों से। तो नरेंद्र मोदी जी हमेशा सांप्रदायिकता का तड़का मारते हैं, वो इलेक्शन के दौरान जब भी जरूरत पड़ती है नरेंद्र मोदी जी सेकुलर बन जाते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है नरेंद्र मोदी जी कर्नल बन जाते हैं। और कांग्रेस रही हो चाहे BJP रही हो, चाहे खरबूजा छुरी पर गया हो चाहे छुरी खरबूजा पर गया हो, मारा गया अल्पसंख्यक, सिख वहां अल्पसंख्यक था इसलिए बहुसंख्यकों को उन्हें मारा, गुजरात में मुसलमान अल्पसंख्यक था इसलिए बहुसंख्यकों ने उन्हें मारा। तो ये जो भी काम किया गया यही सियासत करती है। और आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं, वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं क्या? जो वोट ही जाकर कहते हैं कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, मुसलमानों को अपना CM Deputy CM चुनना चाहिए, वो धर्म की राजनीति नहीं है, कुछ और है। तो डबल स्टैंडर्ड्स है। SIT के हलफनामे से सोनिया गांधी तक क्या जांच की आंच पहुंचेगी, आज हमारा पोल क्वेश्चन था। 98% लोगों ने कहा कि हाँ जांच की आंच पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी सोनिया गांधी तक SIT के हलफनामे से। तो ये पोल रिजल्ट इस वक्त आपके स्क्रीन पर, आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।